मटर को धो के फुला दी थी मैंने 2 घंटे के करीब, और उसे एक सीटी मार दी हूँ और ये अच्छी तरह से पक गई है। देखिए इसे ऐसे ही पकाना है। बना रही हूँ मटर की सब्जी बना रही हूँ। इसके लिए तेल गरम हो चुकी है और सबसे पहले मैं जीरा ऐड करूँगी, उसके बाद ऐड करूँगी प्याज और हरी मिर्ची। होटल की जैसी बना रही हूँ मैं मटर की सब्जी, जो आप आलू चाप सिंघाड़ा में खाते हैं कौसी वाली बना रही हूँ मैं। और इसको फ्राई करना है। कलर चेंज हो गई है, अब इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। एक बड़ी चम्मच है और इसे भी भून लूंगी। अब इसमें हल्दी ऐड करूंगी, नमक ऐड करूंगी और टमाटर, इन सबको भून लूंगी। धनिया पाउडर ऐड करूंगी 1 चम्मच है और जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून। सबको अच्छी तरह से भून लूंगी। टमाटर गल जानी चाहिए। अब इसमें ऐड करूंगी बेसन 1 टेबल स्पून और ये भी मसाला भून गई है। अब इसमें मटर ऐड कर देंगे। इसमें पानी भी पड़ेगी, थोड़ी पतली बनाना है इसको, थोड़ी पतली होती है मटर की सब्जी, तो इसमें पानी ऐड करेंगे। थोड़ी गर्म पानी करके साइड में रखिएगा और जब ज़रूरत पड़े तब गर्म पानी ऐड कीजिएगा। अगर आपको मटर की सब्जी इस तरह से बनाए आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए और कमेंट देना ना भूलें। अब इसको ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि सारे मसाले एक दूसरे से मिल जाए। मटर की सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब इसे गर्मा गर्म सिंघाड़ा या आलू चाप या पूड़ी किसी के साथ भी परोसें।